इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार 2000 करोड़ रुपए की शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में महाधरना प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार अवैध शराब बेचने का काम शासकीय दुकानों में कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश में शराब का राजस्व बढ़ने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 40% शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है जिससे राजस्व बढ़ा है, वहीं 30% बिक्री कम हुई है, इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। वहीं चावल घोटाले पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हमने प्रमाण सहित चावल घोटाले का मामला विधानसभा में प्रस्तुत किया है। 60,000 मीट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। लोगों ने पहले भी कहा था क्रमिक शराबबंदी के हम पक्षधर हैं, आज भी उसके पक्षधर हैं। घोटाला हुआ है, उसका बात यह है राजस्व बढ़ा है। 30% 40% शराब की कीमत में वृद्धि हो गई। आप शराब दुकान में जाके पूछे, किसी शराब पीने वाले भाई से पूछे, 40% शराब में बिक्री हो गई है, बिक्री कम हुई है, बिक्री का प्रतिशत वर्ष भर घटता जा रहा है और कीमतें बढ़ती जा रही है। इसलिए 40% कीमत बढ़ाने की वजह से राजस्व थोड़ा बहुत बढ़ा है, मगर 30% बिक्री बंद कम हुई है, इसका जवाब सीएम को देना चाहिए। प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था, 60,000 मेट्रिक टन चावल की अफरातफरी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है।